मैं कभी फिजिकल मुलाकात पर नहीं गई, इसीलिए कि जैसे कि लोग बताते हैं कि एक शीशे की दीवार होती है, इंटरकॉम पर बात करते हैं, तो वो मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं उसको नहीं मिल भी जाती क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ईद हमारी ज़िंदगी की ये पहली ईद, पहला रमज़ान, ईदुज़ुहा, ये पहले पहले गुजरे हैं जब वो हमारे साथ नहीं है। जब सब लोग खा रहे थे तो एहसास हो रहा था उसकी कमी का बहुत ज़्यादा, उसको ढंग से वहाँ खाने को नहीं मिल रहा और हमारे सामने दुनिया की नेमत रखी है। सबसे पहले तो मैं उसका माथा चूमना चाहूँगा। मिला टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं असरार अहमद। अतहर खान को जेल गए हुए 500 दिन पूरे हो गए। अतहर खान कौन है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो उसके विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया। ये प्रदर्शन जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद शाहीन बाग बना और उसके बाद पूरे देश में धीरे धीरे हर जगह शाहीन बाग बनता गया। इस प्रोटेस्ट को जो लोग लीड कर रहे थे दिल्ली में, जब दिल्ली दंगा हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके UAPA के तहत जेल के अंदर डाल दिया। UAPA का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि कई मर्तबा दिल्ली की अदालतों ने दिल्ली पुलिस को ज़बरदस्त फटकार लगाई और कई एक मामले में दिल्ली पुलिस पर जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि UAPA लगाकर लोगों को चुप कराने की कोशिश की गई, सही से इसकी जाँच नहीं हुई, सही से इंक्वायरी नहीं हुई, लोगों पर UAPA लगा दिया गया ताकि वो जेलों में सड़ते रहें। कई मामलों में जबरदस्त दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई। UAPA के तहत अतहर खान भी जेल में बंद हैं। 500 दिन कैसे वो जेल में बिताए और उनके बिना उनके घर वालों का क्या हाल रहा वो आप वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्या उनके माता पिता पर गुजर रही है। अतहर के ना होने की वजह से और अतहर खान जब जेल से बाहर आएंगे, जब उनके पिता से पूछा गया कि आप सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, उन्हें क्या खिलाना पसंद करेंगे या उन्हें किस जगह घुमाना पसंद करेंगे, तो अतहर के फादर ने कहा कि सबसे पहले मैं उसका माथा चूम लूँगा। क्या कहा अतहर के फादर ने आप भी सुनिए। अच्छा, अगर अब अतहर मान के चलिए जेल से निकल आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे कि कहीं घुमाना चाहेंगे या कुछ खिलाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उसका माथा चूमना चाहूँगा। अच्छा, तो अपने बेटे पर गर्व है आपको? बेशक। अतहर के फादर हैं जो अपने नौजवान बेटे के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अतहर का नाम लेते ही उनको रोना आ जाता है और वो लगातार रोने लगते हैं। अतहर के पिता ने कहा कि जब अतहर जेल से बाहर आएगा तो सबसे पहले मैं उसकी पेशानी चूम लूँगा। अतहर की माता कैसे हैं, उनकी मदर कैसे रह रही हैं? एक नौजवान बेटा UAPA के तहत जेल में 500 दिनों से बंद है। अतहर की वालिदा ने बताया कि जब से अतहर जेल गया है तब से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूं। जब वो जॉब करता था तो एक टाइम से घर पहुंच जाता था, लेकिन जब वो लेट होने लगता था तो वो फ़ोन कर देता था। उसके बावजूद भी मैं परेशान हो जाया करती थी कि अभी तक अतहर घर पर नहीं पहुँचा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी तक अतहर से कभी भी मिलने इसलिए नहीं गई क्योंकि जब मैं वहां जाऊंगी तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कहा कि अतहर ने बताया कि मैं नहीं हूं, ईद का मौका है, लेकिन मेरे जो छोटे भाई हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जो आप जब मैं पहले रहा करता था, जो ईद में बनाया करती थी, वही चीज बना के मेरे भाइयों को खिलाइए। जब जॉब करता था वो, तो उसका एक टाइम था कि 9 बजे तक घर आ जाता था। कभी रास्ते में ट्रैफिक की वजह से फंस जाता था तो वो बता देता था कि मुझे आने में टाइम लगेगा, परेशान नहीं होना। उस वक्त भी मैं घबरा जाती थी कि अभी तक नहीं आया, रात हो गई। अब जब ये प्रोटेस्ट होने लगे तो वो पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाता था, फिर लोगों ने उसे वहाँ पर रोक लिया तो मैं खुद ही चली जाती थी बेचैन होकर उसे देखने के लिए। अब ये
500 दिन से लगभग, तो अब तो सिर्फ वीडियो कॉल पर ही हम 10 मिनट के लिए मुलाकात कर पाते हैं। मैं कभी फिजिकल मुलाकात पर नहीं गई, इसीलिए कि जैसे कि लोग बताते हैं कि एक शीशे की दीवार होती है, इंटरकॉम पर बात करते हैं, तो वो मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं उसको नहीं मिल भी जाती क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। ईद हमारी ज़िंदगी की ये पहली ईद, पहला रमज़ान, ईद उज़ुहा, ये पहले गुजरे हैं जब वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन उसने हमें ख़त लिखा जेल से कि मेरे ना होने की वजह से मेरे बाकी तीनों छोटे भाइयों की ईद ख़राब नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप मेरे हो सामने ईद पर जो जो चीज़ें बनाती थी आप सब बनाना, इन लोगों को एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से उनकी ईद ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके कहने पर मैंने ईद पर तमाम चीज़ें बनाई, जब सब लोग खा रहे थे तो एहसास हो रहा था उसकी कमी का बहुत ज़्यादा, उसको ढंग से वहाँ खाने को नहीं मिल रहा और हमारे सामने दुनिया की नेमत रखी है। अतहर ने एक काम स्टार्ट किया था दोनों भाइयों, तीनों भाइयों ने मिलकर। जब दिल्ली दंगा हुआ तो अतहर के भाई कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे की वजह से मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब वो जो काम किया करते थे, मसाले का काम करते थे, दूसरी दुकानों पर जाके बेचा करते थे, पहले लोगों को सैंपल दिखाया करते थे, लोग सैंपल देखने के बाद सामान खरीदते हैं। लेकिन अब अतहर के भाई बता रहे हैं कि दिल्ली राइट्स के बाद जो हिंदू दुकानदार हैं वो अब मुसलमान का नाम सुनते ही वापस कर देते हैं और हमसे सामान नहीं खरीदते हैं। उनके भाई ने बताया कि जब हमने शुरुआत की थी जिस जगह पर थे, आज उसी जगह पर हम हैं, ना आगे बढ़ पाए बल्कि हमारा नुकसान ही हुआ है। तो अभी अतहर के बाद काम पर क्या प्रभाव पड़ा है? अतहर डील करता था, नए लोगों से मिलता था, फिर मैं उनको सप्लाई देता था, फिर पेमेंट वगैरह अतहर खुद देखता था। तो अतहर के जाने के बाद जो थे अभी हम वहीं उसी लेवल पर अटके हुए हैं, उससे नीचे ही चलेगा क्योंकि फिर दंगे के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले हमारी सप्लाई इधर यमुना साइड भी थी, लेकिन अब करावन लगा, इधर लोग कतरा आते हैं लेते, मैं नाम सुन के मना भी कर देते हैं। ये है कि नाम सुन के अब लोग सैंपल भी ट्राई नहीं करते कि क्या है क्या नहीं, ट्राई भी नहीं करते कि आप मुसलमान हो। अच्छा, ये ढाबे वाले मना करते हैं यहाँ पर? ये ढाबे जो हैं छोटे मोटे ढाबे हो गए और फिर थोड़े चिकन कॉर्नर वगैरह हो गए इधर अंदर, तो ये लोग जैसे ही नाम पता चलता है कि ये मुस्लिम है और मना कर देते हैं। तो यहाँ करावल नगर वगैरह में भी दंगे हुए थे क्या? नहीं, दंगे तो बस यही ऑन रोड जो रहा वही था, लेकिन इम्पैक्ट इसका जो है हर जगह हुआ है। अच्छा, इसका फर्क हर जगह पड़ा है। तो आप सोचिए कि दिल्ली दंगा हुआ तो बहुत सारे लोगों को UAPA के तहत जेल में डाल दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कभी कभी जज छुट्टी कर जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार तारीख पे तारीख इनको मिलती जा रही है। अतहर खान को जेल गए हुए 500 दिन पूरे हो गए, कैसे उनके बिना उनके घर वाले रह रहे हैं वो आपने देखा। अस्सलामु अलैकुम, आई एम रहमत खान, डॉटर ऑफ मजर उमर खान। आई एम अ स्टूडेंट एट हिंद गुरु अकेडमी। आई टुक वन ईयर कोचिंग फ्रॉम हिंद गुरु अकेडमी फॉर प्रिपेरेशन ऑफ नीट 2021। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह रब्बुल इज्जत, आई एम स्कोरिंग 645 मार्क्स विद एन AIR ऑफ 4939। आई एम सिंसियरली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स मजर उमर खान एंड शगुफ्ता खान एंड डायरेक्टर ऑफ हिंद गुरु अकेडमी नूर नवाज सर, टीचर्स एंड स्टाफ फॉर मेकिंग मी कैपेबल इनफ टू क्रैक नीट एंड फॉर बिलीविंग मी। I am Tanya Varshney. I have given NEET 2021 in which I have secured a rank of 5484 with a marks of 642. I have been under guidance of Hind Guru Academy during my preparation journey. I want to thank Noor sir who motivates me, guides me each step of the way. The environment at the institute is very supportive and enriching. The faculty is also highly experienced. At last, I want to thank respected teachers at Hind Guru Academy for my selection. Thank you. हमारे वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। Twitter और Instagram पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com